नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अब काफ़ी हद तक लॉकडाउन में हमें छूट मिल चुकी है और हम अभी एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं, घूम फिर भी रहे हैं लोग। तो याद रखिए कि आप अपनी सेफ्टी रखिए और सुरक्षा अपने परिवार की भी साथ में रखिए, क्योंकि लॉकडाउन खुलना ना खुलना बराबर है, क्योंकि केसों में कोई कमी नहीं हो रही है। आज आपके 2,26,000 के करीब पहुंच चुके हैं केस, निकल चुके हैं। तो समझ सकते हैं कि लॉकडाउन लगने का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, कि कमी हुई है, बराबर केस बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको अपनी सेफ्टी रखनी है और आपको अपने परिवार की भी साथ में सेफ्टी रखनी है। और अब तो और भयानक स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि अब गांव की तरफ यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना की मरीज पाए जाने लगे हैं। आप समझते हैं कि एक बार अगर गाँव में फैल गया अच्छे से तो इसके रोक पाना मुश्किल है। और आप भी ये भी जानते हैं कि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनाई जा गई है, ठीक है? तो उसी कोरोना की वजह से जो भी हाल है उसी पर आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है? तो इसके जो लेखक हैं वो है अजय साह। ये लेखक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी नई दिल्ली में प्रोफेसर भी हुए, ठीक है? कैसी हो आगामी वर्ष की स्वास्थ्य नीति? लॉकडाउन में ढील देने की शुरुआत हो चुकी है, जबकि महामारी का प्रसार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आने वाले वर्ष में हमारी स्वास्थ्य नीति कैसी होनी चाहिए? जन स्वास्थ्य की बात करें तो आबादी और पैमाने के आकलन में अहम अंतर है, जो बेहतर निजी निर्णय का सबब बनेगा और सामाजिक दूरी के नियम तय करने की प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण में है। स्वास्थ्य सेवा क्षमता में व्यापक विस्तार करना समझदारी होगी। इसके लिए निजी स्वास्थ्य सेवा कंपनियों को साथ लेना होगा हमें। और मैं देख रहा था, अभी कल ही परसों देखा मैंने कि लोग लॉकडाउन में जैसे ही छूट मिली या फिर ढील मिली, लोग बाहर निकलने लगे, बिना मास्क के भी बाहर निकल रहे हैं। और ये आप लोग मतलब भूल जा रहे हैं कि केसों में कोई कमी नहीं आ रही है और ना ही इसकी अभी तक वैक्सीन बनाई जा गई सकी कि आपको तुरंत दे दी जाए तो ठीक हो जाओगे। तो इस गलत फहमी में मत रहिए कि आप तक कोरोना ना पहुंचे। अगर आप बाहर निकलते हैं और आप ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज के पास जाते हैं तो आप में कोरोना प्रवेश कर जाएगा, ठीक है? तो आपको दूर ही रहना है, कुछ दिन और बना रहिएगा, अपना देखते रहिएगा, मास्क लगाइए, अपना टाइम से निकलिए, दूरी बनाइए रखिएगा। भारत ने मार्च के अंत में दुनिया के सबसे व्यापक और कड़ी शर्तों वाले लॉकडाउन के साथ शुरुआत की। अप्रैल के मध्य से प्रतिबंधों में कमी की प्रक्रिया शुरू की गई। रोजगार दर जो फरवरी के अंत में करीब 40% थी, वह मध्य अप्रैल तक घटकर 26% थी और अब पुनः 29% हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें और सुधार होगा। रोजमर्रा का जीवन तेजी से सामान्य होने की दिशा में बढ़ रहा है। आप लोगों को याद रखना चाहिए, जितना शक्तिशाली यानी कि कड़े प्रतिबंध हमारे देश में लगे थे लॉकडाउन को लेकर, उतने किसी भी देश में नहीं लगे थे। और इसमें अगर अच्छे से पालन हो जाता तो लॉकडाउन पर हम यानी कि कोरोना वायरस पर हम लोग जीत हासिल कर लेते, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह निकलने नहीं दिया जा रहा था लोगों को। और फिर समझ सकते हैं आप लोग कि किस तरह से फैला, बहुत सख्त लॉकडाउन था हमारे देश में। इस बीच महामारी हमारे साथ बनी हुई है। संक्रमण और मौत के आंकड़ों में भी तमाम दिक्कतें हैं, हमें उनका इस्तेमाल करते हुए सतर्कता बरतनी चाहिए। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि देश में बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और महामारी लगातार फैल रही है। उम्र आधारित संक्रमण की मृत्यु दर को अगले देश की आबादी पर लागू किया जाए तो बड़ी तादाद सामने आएगी। भविष्य के लिए जोखिम प्रबंधन वाला रुख सही होगा। हमें नहीं पता कि इसका नतीजा कितना बुरा होगा, लेकिन इसकी आशंका अवश्य है, क्योंकि आप जिस संख्या में डेली बढ़ रहे हैं, आज तो सबसे ज्यादा बढ़े, आपके 10,000 के करीब केस बढ़े, तो समझ सकते हैं कि जिस संख्या से अगर हम लोग आगे जा रहे हैं तो अवश्य ही आगे आशंका देखी जाएगी, यानी कि खतरनाक स्थिति देखने को मिल सकती है अगर वैक्सीन नहीं बनी तो। ऐसे में हमें आज से ही स्वास्थ्य नीति के क्षेत्र में
व्यापक प्रयास करने होंगे ताकि अगले एक वर्ष में महामारी का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। स्वास्थ्य नीति दो बातों पर निर्भर करती है, एक बचाव और दूसरा इलाज। बचाव की बात करें तो आइसोलेशन और सामूहिक दूरी, सामाजिक दूरी के मानक तरीके बहुत कारगर नहीं साबित हुए। हाँ, केरल और तमिलनाडु कुछ हद तक इसके अपवाद हो सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सामाजिक आइसोलेशन से ज़्यादा सामाजिक दूरी इसमें प्रभावी तरीके से कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि अगर ये सामाजिक दूरी का पालन होता रहता तो कोरोना वायरस काफ़ी हद तक आगे ना बढ़ता। इस तरह से जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कैसे हो सकता है, हमें शहरों और जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत तरीके से काम करना होगा ताकि PCR और एंटीबॉडी टेस्टिंग के बारे में अनुमान लगाया जा सके और पता चले कि बीमारी का कितना प्रसार हुआ है, किस तरह के लोगों में प्रतिरक्षा विकसित हुई है, हम सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने से कितनी दूर हैं। यह आकलन एक साथ एक उपनगर और एक गांव में किया जाना चाहिए। और हमें अब याद रखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी प्रशासन है उसे भी साथ लेना चाहिए हमें, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अब ऊपर की जो भी प्रशासन इकाई है वो नीचे के तबके तक जाकर टेस्टिंग नहीं कर सकती है, यानी कि उन्हें भी अपने कब्जे में नहीं ले सकती है। इसलिए जो नीचे आपका पंचायत में प्रधान होता है, सरपंच होता है, तहसीलदार हो गया, MLA हो गया, ये वहाँ आइसोलेशन इस तरह की जो भी टेस्टिंग हो सकती है। और जो भी आपने देखा होगा कि आपके यहाँ अगर गाँव में बाहर से मुंबई दिल्ली से लोग आ रहे हैं प्रवासी मजदूर, तो उन्हें आप लोग देख सकते हैं कि अगर उनमें कोई लक्षण पाया जा रहा है तो उन्हें हाल ही इलाज के लिए भेजें और डॉक्टर के लिए और आइसोलेशन में भी अगर सुविधा है तो उसे भेज दें। ठीक है, ये सारी जानकारी अवश्य क्यों है, जब हर व्यक्ति के पास एंटीबॉडी और संक्रमित लोगों के बारे में पूरी जानकारी होगी तो वह अपने रोजमर्रा के जीवन को लेकर भी बेहतर निर्णय कर पाएगा। दूसरी बात, हर समुदाय इस आंकड़े का इस्तेमाल करके इस बारे में बेहतर निर्णय ले पाएगा कि चीजों को कैसे नए सिरे से शुरू करना है। बेहतर निर्णय लेने से महामारी को धीमा किया जा सकता है। लोग व्यक्तिगत स्तर पर तथा अपने आस पास पड़ोस की को लेकर चाहे जितने बेहतर निर्णय लें, बीमारी फैलेगी और काफी संभव है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हमारी क्षमताओं में और अधिक इजाफा करना होगा। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधा सुधारने के लिए काफी कुछ करना होगा। देश में स्वास्थ्य सेवा का काफी हिस्सा निजी क्षेत्र है, ऐसे में हमें दो में निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं का भरपूर इस्तेमाल करना होगा और व्यापक क्षमता हासिल करने के तरीके तलाशने होंगे। कुल मिलाकर एक विशाल का स्वास्थ्य सेवा समस्या से जूझना होगा। खेद की बात है कि देश में निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र गहरी कठिनाइयों से जूझ रहा है। मरीजों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को टालना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें संक्रमण का डर है। राजस्व में कमी में ने कई स्वास्थ्य सेवा कंपनियों के लिए वित्तीय मोर्चे पर भारी तनाव उत्पन्न कर दिया। स्वास्थ्य सेवा नीति में इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए हमें कि COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस को लेकर सामान्य सहायक चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई जा सके, जबकि मौजूदा वित्तीय और मानव संसाधन संबंधी समस्याओं के कारण क्षमता को काफी नुकसान पहुंचा है। सरकारी संगठन यदा कदा बल प्रयोग निजी स्वास्थ्य सेवा इकाइयों का अधिग्रहण करते हुए भी देखे गए। यह रूप तीन कारणों से निराश करने वाला है। पहला, एक विमान कंपनी में विमान के अलावे भी कई तरह के काम और कई सेवाएं होती हैं। ठीक उसी तरह एक अस्पताल में भी उसके बुनियादी ढांचे और चिकित्सा उपकरणों के अलावा भी काफी कुछ होता है। अस्पताल सूचनाओं और प्रोत्साहन का एक जटिल संजाल होता है। यदि कोई राज्य सरकार उनके उसके बुनियादी ढांचे का अधिग्रहण करती है तो उसकी संस्थागत क्षमता को तगड़ा नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि संस्थान के समक्ष वित्तीय और मानव संसाधन का भीषण संकट उत्पन्न हो सकता है। अगर हम लोग दूसरी बात करें तो देश के निराशाजनक परिदृश्य में देखा जाए तो हम जितनी स्वास्थ्य सेवा क्षमता चाहिए वह फिलहाल मौजूद नहीं है। ऐसी क्षमता एवं विकसित करने लायक प्रबंधकीय कौशल से लैस लोग केवल निजी क्षेत्र में हैं, परंतु राज्य का बल प्रयोग
उनकी ऊर्जा और उनके जुनून को प्रेरित नहीं करता। तीसरा, सरकार की ओर से ऐसा कोई भी कदम निजी क्षेत्र को गलत संदेश देता है। इससे निजी क्षेत्र के लोगों के मन में देश में आने वाले दशकों का संगठनात्मक ढांचा बनाने की इच्छा शक्ति कमजोर पड़ती है। अगर वो अपने मन से यानी कि तैयार हैं तभी आप उनके उन्हें अपने कब्जे में लीजिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आपका सरकार उसे अपने अधिग्रहण में ले ले यानी कि उस पर आप अपना अधिकार कर ले तो आप आगे से डरने लगेंगे इस तरह का काम करने से। और अगर सरकार आपकी इच्छा से आपको अपने साथ ले रही है तो ये बात अलग हो जाती है। हम इस मामले में बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? स्वास्थ्य सेवा नीति को यह पहचानने की जरूरत है कि देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 70% दायित्व निजी फर्म निभाती है। यह अहम क्षेत्र फिलहाल एक संकट से गुजर रहा है, उसे इससे निजात की जरूरत है। नीति निर्माताओं को यह समझना होगा कि निजी स्वास्थ्य फर्म द्वारा मुनाफे के लिए काम करने को खराब समझना बंद करना होगा। उन्हें मौजूदा हालात में बेहतर भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहन करना होगा। स्थानीय और राज्य सरकारों को निजी स्वास्थ्य फार्म से कहना चाहिए कि वे COVID-19 मामलों के लिए नई सुविधाएं बनाने के लिए स्वेच्छा से आगे हैं। इसके लिए सरकार का सार्वजनिक वित्त प्रबंधन सहज होना चाहिए। सरकार को एक इसकी शुरुआत तक एक तयशुदा कीमत चुकानी चाहिए ताकि निजी फार्म को जोखिम ना हो। यदि आने वाले वर्ष में बड़े पैमाने पर लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा तो ये चिकित्सा सुविधा हमारे काम आएगी। इसके लिए धन की आवश्यकता होगी। मोटे अनुमान बताते हैं कि इसके लिए निजी फार्मों को बहुत बड़े पैमाने पर धन उपलब्ध कराना होगा ताकि वे जांच और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा सकें। राजकोषीय योजना की भी आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से ये संसाधन शहरों और जिलों तक पहुंच सकेंगे। मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि लॉकडाउन खुल गया है तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं। कृपया करके अपना उतना, हाँ अगर काम है आपका घर से बाहर तभी जाएं, जरूरी काम है तभी निकलें घर से, और निकलें भी तो अपनी पूरी सेफ्टी के साथ, क्योंकि आप अगर बाहर निकलते हैं और आपके अंदर कोरोना वायरस आता है तो आप तो जैसे डूबेंगे साथ में उस परिवार को भी ले डूबेंगे जिसकी कोई गलती नहीं है। तो इसलिए अपने आप पर रहम ना करिए, कम से कम उस परिवार पर तो रहम करिए जिसकी कोई गलती भी नहीं है, उसे सजा ना मिले। ठीक है।